हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ा अपडेट यूट्यूब पेमेंट्स को लेकर। मतलब अगर आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और आपके शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हैं या फिर वायरल नहीं भी होते हैं बट अच्छे खासे व्यूज़ आपको मिलते हैं, बट आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो अभी मौका आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से एक नया अपडेट आया है, यूट्यूब शॉर्ट्स मोनिटाइजेशन। सो दैट्स अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल द क्रिएटर्स आउट देयर। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो ये जो लुक है, ये मेरा सरस्वती पूजा मेकअप लुक है। अगर आप इस लुक को देखना चाहते हैं, कैसे मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है, तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फॉर श्योर शेयर करूंगी। ये वीडियो एकदम शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प है। जितने ही भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूरत है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगी। सो सबसे पहला जो बात है वो है कि शॉर्ट्स में अगर आपके वायरल होते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आपको एक रेवेन्यू मिलता था पहले यूट्यूब की तरफ से। बट 1 फरवरी से अभी हर शॉर्ट पर एड चलेगी, मोनिटाइज होगी हमारी शॉर्ट वीडियोस। लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो आपको समझना है। आपने अगर कोई दूसरा गाना इस्तेमाल किया है, अगर आपके गाने पर कॉपीराइट कंटेंट आ गया, तो फिर आपका जो शॉर्ट्स है उससे पैसा नहीं होगा। जैसे यूट्यूब से भी होता है, अगर हमारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में किसी भी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, पैसा नहीं मिलता है। बट शॉर्ट्स में क्या है कि जब आप डायरेक्ट यूट्यूब में जाकर वहाँ से क्रिएट शॉर्ट करते हैं, जो यूट्यूब एप्लीकेशन में जाकर अगर आप डायरेक्टली कैमरा ओपन करके वहाँ से जो म्यूज़िक है ना यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, उसी म्यूज़िक को सिलेक्ट करते हैं, तो उसी म्यूज़िक के लिए आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगी। बट अदर देन दैट म्यूज़िक, अगर आप कोई बाहर से शॉर्ट में म्यूज़िक डालकर उसे अपलोड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिल जाएगी और कॉपीराइट कंटेंट पर कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने मानो जो यूट्यूब शॉर्ट से जो म्यूज़िक आपने उठाई है, उस म्यूज़िक से ही आपने कॉन्टेंट बनाई, उसमें आपको रेवेन्यू मिलेगी 45%। 45% में 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा आपको मिलेगा, दूसरा हिस्सा मिलेगा जिस क्रिएटर का गाना आपने इस्तेमाल किया है उस क्रिएटर को मिलेगा, और तीसरा हिस्सा मिलेगा यूट्यूब को। मतलब 45% का भी 3 पार्ट होगा, उसमें से सिर्फ 1 पार्ट आपको मिलेगा। अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर से कैमरा ओपन करके जो भी म्यूज़िक वगैरह आता है वो म्यूज़िक आपने सिलेक्ट किया है, तो अगर आपने अपना ओरिजिनल ऑडियो मतलब अपना वॉइस दिया है, वॉइस ओवर कोई भी शॉर्ट्स आपने डाला है, उसमें पूरा 45% रेवेन्यू ही पूरा आपका होगा, और जो बाकी का 55% है वो यूट्यूब को जाएगा। ऑब्वियसली वो हमें पता है कि जो यूट्यूब में ऐड होता है पॉलिसी, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसमें भी कुछ परसेंटेज हमें मिलता है, कुछ परसेंटेज यूट्यूब को मिलता है। तो वैसे ही शॉर्ट्स में है, 55% यूट्यूब को मिलेगा और 45% मिलेगा हमें, मतलब क्रिएटर्स को, इफ एंड ओनली अगर आप अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो में, या फिर आपने जो भी ओरिजिनल आवाज़ है ना उसको रखा है और कोई कॉपीराइट म्यूजिक नहीं इस्तेमाल किया है, तो अगर म्यूजिक में कॉपीराइट आ जाएगा तो मोनिटाइज नहीं होगा, तो पैसे तो नहीं ही मिलेंगे। और अगर यूट्यूब शॉर्ट्स का जो म्यूजिक है वो आपने इस्तेमाल किया, तो उसका जो 1/3 पोर्शन है वो रेवेन्यू आपको मिलेगा। सो आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल द क्रिएटर्स जो लोग मेहनत करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।